देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कॉबेट बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हिना इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में नगर निगम द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान जोरों शोरों से चल रहा है, जिसमें आज नगर निगम द्वारा आज मंगल पड़ाव स्थित मछली बाजार का अतिक्रमण पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश को प्रशासन ने उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। उन्होंने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। उनका कहना है, पहले गरीबों के कारोबार पर बुलडोजर चलाने से उनके घर और अन्य नेताओं के घरों में चलाया जाए। वही नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि जिसमें 32 दुकानें चिन्हित की गई थी और उनमें से 4 दुकानों को अभी नहीं तोड़ा है, इन दुकानों को निगम द्वारा ही किरायानामा दिया गया है। नगर आयुक्त का कहना है, इन दुकानों का परीक्षण करेगा और तभी कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से समी आलम की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।
में ही नजरबंद कर दिया प्रशासन ने, पुलिस ने। तानाशाही पूरा भैया हो रहा है, कुछ लोगों के सारे में जो चुनाव हारे हैं और वो जब अतिक्रमण पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर अतिक्रमण एक मूल आधार माना जा रहा है व्यवस्था को सुधारने का, तो ठीक है, अतिक्रमण आपको हटाना है। मेरा सुझाव ये है कि शुरुआत सुमित हृदयेश के घर से और फिर उसके बाद जितने पूर्व वर्तमान विधायकगण, क्योंकि सबके निवास स्थल हल्द्वानी में है, पूर्व वर्तमान सांसद, पूर्व वर्तमान नगर निगम नगर पालिका चेयरमैन, जो ये नेतागण हैं, पहले इनके घर की नाप ली जाए, जो उनका अतिक्रमण है पहले उसे तोड़ा जाए। उसके बाद जो लोग मैं देख रहा हूँ कि गरीबों के ठेले हटने से बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनके खुद के घर सिंचाई गुलों के ऊपर निर्मित है, पहले उनके घरों का अतिक्रमण टूटे, उसके बाद कहीं गरीब आदमी, हिंदुस्तान गरीबों का देश, गरीब आदमी यहाँ पे निवास करते इतने सारे, यहाँ पे आप बड़ी सुचारू व्यवस्था, आप सोच रहे हैं कि अमेरिका यूरोप बना दें, एक दिन में नहीं बनता है, कि पहले तो गरीबी हटानी पड़ेगी, तो गरीबी तो आप हटा नहीं रहे, गरीब को हटा रहे, अपने घर में नजरबंद हो गया, अपने घर में नजरबंद आज करा है, क्योंकि अरेस्ट तो कर नहीं सकते। मैंने कहा आप अरेस्ट करिए, मैंने कहा साहब हम अरेस्ट नहीं कर सकते, आपकी सुरक्षा के लिए आपको नजरबंद कर रहे हैं, तो मैं तो सुरक्षित महसूस करता हूँ अपने शहर में, ये असुरक्षित महसूस कर रहे हैं आज, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर मैं वहां चले जाता तो वहां पे अच्छी खासी वहां भीड़ आ जाती और आज ये अतिक्रमण अभियान रुक जाता। तो अतिक्रमण अब लेकिन इन्होंने ये जो आग लगाई है, इसकी इन्हें लपट भी झेलनी पड़ेगी, इसकी गर्मी भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अब सुमित हृदयेश इनको नहीं छोड़ेंगे, अब सुमित हृदयेश इनको नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि ये इन्होंने एक बारी नहीं शिकस्त देखी, अब ये जो अपनी हार, ये जो हार इनकी, जो इनको हजम नहीं हो पा रही है, ये बार बार इसका इस हल्द्वानी में सामना करना पड़ेगा, ये इनके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होने वाला है। पुलिस प्रशासन इतना आपकी आवाज पे तैनात किया गया, क्या उनको डर है किसी चीज से? क्या नहीं डर, देखिए डर तो वही बताएंगे, हम तो गांधीवादी तरीके से ही विरोध करते हैं, अगर सड़क पे 1-2 हजार लोग बैठ जाते हैं और विरोध कर रहे हैं किसी चीज का, तो वो मूल अधिकार है संविधान में, उसमें क्या डर की बात है? और अगर डर रहे हैं तो सोचिए कहीं ना कहीं अपने ही पापों से डर रहे हैं, हमसे तो नहीं डर। निगम ने जो यहाँ मीट बाजार और ये मछली मार्केट की जो दुकानें हैं, इनको नगर निगम के द्वारा नोटिस दिया गया था और इनके द्वारा कोई भी वैध प्रपत्र नहीं दिखाए गए हैं, जिसके क्रम में ये अभियान चलाया गया है और इसमें जो भी अवैध बनी हुई दुकानें थी उनको यहाँ पर उनका अतिक्रमण मुक्त किया गया है, उन स्थानों को। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि शहर में 15 दिन से लगभग लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चल रहा है और इसमें आपके भी माध्यम से लगातार लोगों से अपील हम लोग कर रहे हैं कि सड़कों पर चलने की जगह नहीं बची है, प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, महिलाएं और बच्चे सड़क पर नहीं चल पा रहे हैं, तो हमें अपना सहयोग दें, अपने सामान को अपनी दुकानों के अंदर रखें और जो अवैध रूप से जो भी दुकानें बनाई गई हैं उनको हटाने की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा लगातार की जा रही है। और इसके अलावा वेंडिंग जोन उन्होंने ठेलों के लिए निर्धारित किए हैं, तो वेंडिंग जोन जहाँ हैं, जहाँ स्थान दिए गए हैं, उस जगह पर वो वैध रूप में दुकानें लगा सकते हैं। तो अपील है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त इस बनाने के अभियान में हमें अपना सहयोग प्रदान करें। मेयर साहब का जब इलेक्शन टाइम था उन्होंने कहा था हम आपको पहले आपका इंतजाम करेंगे कहीं, उसके बाद आपको हटाया जाएगा, तो कोई इंतजाम नहीं। आज मेयर साहब बिल्कुल नज़रबंद हो गए हैं, आ भी नहीं रहे हैं, वो देखने भी नहीं आ रहे हैं, ना बात करके राजी हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कहा जा रहा है आपको? पुलिस प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि प्रशासन के आदेश हैं और इन्हें बिल्कुल तुरंत हटा दिया जाए, कोर्ट के ऑर्डर है, ना कोई हमें टाइम दिया गया है, मान लिया टाइम तो देना चाहिए। नाम क्या? अजय पाल। जो हमारी मार्केट तोड़ी गई है उसके लिए हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया और आते ही हमारे बुलडोजर फहरा दिया गया। अब बताइए इतने लोग बेरोजगार हैं कहाँ जाएंगे, ये बताइए। इसके लिए ना कोई प्रशासन व्यवस्थे कोई व्यवस्था कर रहा है ना कुछ, सिर्फ यही कह रहे हैं ऊपर के ऑर्डर हैं कहाँ से ऑर्डर हैं, जब ये इतनी पब्लिक है कहाँ जाएगी ये बताइए आप। मछली मार्केट, मीट मार्केट सब कुछ नष्ट हो चुका है, इसका कुछ व्यवस्था बनाएंगे ये लोग? नहीं बनाएंगे। इससे पहले आप लोगों को कोई अल्टीमेटम दिया गया? अल्टीमेटम सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि आपको अल्टीमेटम भी दिया? अल्टीमेटम तो 2 दिन में कहाँ से आएगा, ना इस्टे आया ना कुछ आया, किसी बात की भी व्यवस्था इन्होंने करने नहीं दी। आए ऊपर से हाईकोर्ट का ऑर्डर है, क्या करें? कहने की किसी के षड्यंत्र के तहत आप लोग की दुकानें तोड़ी जा रही है? षड्यंत्र के तहत तो नहीं कहेंगे हम इस बारे में, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाने, मगर ये तो है हमारी व्यवस्था तो की जाए, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बताइए। तो यहाँ पे जो विधायक और मेयर ये लोग कोई नहीं आया हमारे, ना विधायक आया ना मेयर साहब आए, कोई मतलब सुनने के लिए इस समय तैयार नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र पाल। ये आज जो अतिक्रमण के विरुद्ध जो हमारा अभियान चल रहा था, आज हमारा मछली बाजार मंगलपड़ा में पहुँच चुका है। आज इस संबंध में नगर आयुक्त अपने और सिटी मजिस्ट्रेट तथा पुलिस का पूरा बल यहाँ पे मौजूद है, इसमें सिविल पुलिस, आर्म पुलिस तथा पीएसी तथा फायर की यूनिट्स भी यहाँ पे हैं।
जो तोड़ने का काम था वो शांतिपूर्वक हो चुका है और अभी शांति व्यवस्था चल रही है। सर, अगर बात करें हल्द्वानी विधायक सुमन प्रदेश की, शासन और पुलिस द्वारा उनको घर में नजरबंद किया गया, क्या कुछ कारण रहे सर? इस संबंध में अभी तो हमारी ड्यूटी जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं मछली बाजार में है, यहाँ पे अभी कोई ऐसा हमने हस्तक्षेप नहीं देखा है उनकी तरफ से, तो यहाँ पे अभी शांतिपूर्वक रहा है। भैया, आज नगर निगम द्वारा आप लोगों की दुकानें तोड़ी गई यहाँ पे, वहीं कुछ 5 दुकानें और छोड़ दी गई, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं निवेदन इसलिए अपने महोदय जो हमारे मेयर साहब हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि हमारे जो महोदय हैं ये मेयर साहब और हमारी नगर निगम, मेयर साहब से भी नहीं नगर निगम हमारी, जब 4 दुकानों को उन्होंने पक्का करा तो ये आगे की 34 दुकानें बची थी, इनको पक्का करने में इनको क्या आपत्ति आई? और उससे बड़ी चीज़ ये, इन्होंने इतना पुराना ठिया है, मेरे दादा परदादा की दुकानें थी यहाँ पे, परदादा मेरे दादा काम कर चुके हैं यहाँ पर, मेरे चाचाओं ने करा, मेरे भाई मेरे, अब मैं करता हूँ यहाँ पे काम। सबसे बुरा बात क्या लगा कि आए इन्होंने बुलडोज़र एकदम चलाया, किसी की कोई सुनवाई नहीं, किसी कुछ कहा नहीं, कुछ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगा। नगर निगम ने सिर्फ आके इनसे ये पूछा गया कि ये दुकानें कैसी हैं, तो उन्होंने कहा इसकी हमारे अभी रजिस्ट्री है कि हमारे पास इसकी पर्ची कट्टी है, हमारे अलाउड हुई है, हम इसका वो लेते हैं किराया। तो ये जब इनसे लेते थे तो और भी लोग थे, हमारे भाई इतने हैं सब गरीब, 37 परिवार उजड़ गए आज इस घर में, यहाँ मोहल्ले में पूरे, तो उनके लिए भी तो ये प्रशासन कर सकता था ना, वो भी कहीं ना अपनी जेवर बेच के, माँ बाप कुछ भी करके बेचारे कैसे भी करके अपना कर करा के दुकानें बचा लेते। लेकिन ये बड़ा एक दुख की बात है कि एक छोटे से शहर में इतना बड़ा कांड हो गया और इतना रोजगार जो वैसे ही नहीं है, इंसान वैसे ही परेशान है, हर आदमी रोजगार को लेकर परेशान है, और जो रोजगार थोड़ा बहुत था ये भी पूरा ख़त्म हो गया। आपका नाम? मेरा नाम संदीप पाल। हमारे 3 दशकों से यहाँ दुकान है और इस दुकान सबसे अंदर है, इसका तो कोई मतलब नहीं, रात भी आया, उससे पहले भी नोटिस लगा गए हैं, 5 दिन पहले हमारी दुकान में कोई नोटिस नहीं। ये तो बीजेपी वालों के कहने से, दबाव में आके किसी का फ़ोन आने से हमारी दुकान जबरदस्ती तोड़ी गई है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे दुकान? कम से कम 30 साल से ज़्यादा हो गया हमें इस दुकान को करे हुए। तो क्या कहना चाहते हैं आप सरकार के लिए? सरकार के लिए कहना चाहते हैं कि सरकार अंधी है, ये गरीबों को देख ही नहीं रही है, रोज़गार तो दे नहीं सकती, और जो रोज़गार थोड़ा बहुत बच्चों के लिए पाल पोस के अपना पाल रहे हैं फल फल और दुकान खोल के उसके भी उजाड़ दे रहे हैं। वहीं बात करिए, यहाँ पे 4-5 दुकानें जो आप लोग की दुकानों के बीच में थी, इनको नहीं तोड़ा गया? इनको नहीं तोड़ा गया और हमारी दुकान तोड़ी गई जो अंदर थी, इनको क्यों नहीं तोड़ा गया? तोड़ना तो सबको तोड़ते, सबको बराबर करते, और अगर तोड़नी भी थी सबकी दुकानें तो उससे पहले उन्हें बसाने का या उनको रोकने का, उनको फिर दुकान दरिया देने का ठिकाना भी तो देना चाहिए था सरकार ने, प्रशासन ने, कि आया और बिल्डोजर चला दिया इसके ऊपर। काम करते थे आप यहाँ पर? चिकन का काम था, मुर्गे का। आपका नाम? संजय सोनकर।